नमस्कार, आप इस सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि बीते रात एक एक्सीडेंट दीपक बेकरी के नज़दीक रात को हो जाता है, जिसमें 18 वर्षीय युवती जो है अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही होती है, जिसके बाद उनकी भिड़ंत एक कार से हो जाती है। जी हाँ, पीछे से तेज़ रफ्तार कार उन्हें इतनी तेज़ से मारती है कि उनके पर खच्चे तक उड़ जाते हैं और वर्षीय युवती अपनी जान गंवा देती है। और तेज रफ्तार गाड़ी उनके और उसके पिता को पीछे से बहुत तेज जो है टक्कर मार देती है, जिसमें युवती की जो है मृत्यु हो जाती है। और पति जो है, उस पिता जो है, मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता हुआ सामने आता है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। युवती के घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है आप जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम इखलाक है जी। जी, क्या कुछ हुआ था कल रात को? ऐसा था, जो हमारी गुड़िया टूर पे गई हुई थी, टूर से जैसे वापस आई, वहाँ से जैसे उनके फादर उनको पिकअप किया, उनको लेके जो चले कुछ दूरी पर चलने के बाद, पीछे से बहुत तेज़ रफ्तार से जो गाड़ी आ रही थी उन्हें पीछे से टक्कर मारी, और मैं भी कुछ दूरी पर पीछे वहीं पर था, हम लोग साथ थे। वो थोड़ा मेरे से गुड़िया को बिठा करके थोड़ा आगे चले, मैं थोड़ा पीछे ही था, तो इतने में देखते ही कि पीछे से तेज़ रफ्तार से जो गाड़ी आ रही थी उन्होंने पूरी तेज़ गति से। कितने जो लोग थे लगभग उस गाड़ी में? ये 4-5 लगभग उसमें लड़के ही थे। तेज चला रहे थे? बहुत तेज़ गाड़ी थी, लगभग 150 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे? ये लगभग 10:15 के आसपास में। तो फिर लड़कों को रोकने का भी प्रयास किया गया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या, तो वहाँ पर उस समय तक जब तक मैं उनके पास जाके देखता, तो तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, और उन्होंने कुछ वहाँ के जो मौजूद लोग थे उन्होंने उनको रोका भी, उनको पकड़ा। और कुछ समय बाद, तभी 2-3 मिनट बाद, तभी उन्होंने फ़ोन किया, और वहाँ से 5-7 लड़के और आ गए, जिनके हाथ में लठ वगैरह भी, डंडे भी थे, जिन्होंने वहाँ पर कुछ हमला भी किया, धक्का मुक्की भी हुई वहाँ पर, और वो ड्राइवर को छुड़वा के ले गए। अच्छा, तो आपने एक आदमी पकड़ लिया था, बाकी सारे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो उसको छुड़वा के ले गए। तो क्या कुछ शक्ल याद है आपको उस व्यक्ति की, जिसने आपने? हाँ, कुछ थोड़ा भीड़ थी इस समय, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, पर शायद मैं कोई पहचान भी लूँ। कितने वर्ष की थी आपकी जो भतीजी बताई जा रही? 18 साल की। 18, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेज रफ्तार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इस तरीके से जो है परिवार में खुशियाँ थी, लेकिन एक तरीके से गम में जो है तब्दील हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे रात में एक तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग जो कर रहे हैं, एक वो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, और गति भी बहुत ज़्यादा तेज चला रहे हैं जो इस समय में इतनी। तो भाई की कैसी हालात है इस समय आपके? वो भी सीरियस है, इस समय कमर में फ्रैक्चर है उनके 2-3 जगह पर, और सिर में भी काफ़ी चोटें हैं, पैर में हैं, टांग में हैं, कुछ कोने पर भी हैं, काफ़ी सीरियस हैं वो अभी, जिन्होंने कम से कम भी 3-4 महीने के लिए डॉक्टर साहब ने फुल रेस्ट करने के लिए उनको। क्या कुछ काम करते थे आपके भाई? उनके चाय की एक छोटी सी, मतलब यही कहो कि एक खोखा टाइप में ही। तो कितना मुश्किल हो जाता है उस परिवार के लिए काम चलाना, गरीब परिवार है, बिटिया टूर से ही आई थी, अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? बस मैं तो यही कहूँगा कि जो इस समय जो सही कार्यवाही है उनको भी इंसाफ मिले। लड़की देखो एक बनाई बनाई फसल जो नष्ट हो गई है इस समय में, तो उसको भी इंसाफ मिले, और जो उनके फादर हैं उनको भी कानून की तरफ से कुछ सांत्वना मिले, जिसमें उनको। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप उन 4 लड़कों पर, जो 4 लड़के हैं मौके पर भाग जो गए? कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए, और उनके पर सख्ती से थोड़ा सा कार्रवाई की जाए, जो ड्रिंक करके और ज़्यादा तेज़ रफ्तार में जो गाड़ी चलाते हैं। और कितने बच्चे थे आपके भाई के? उनके पास 3 लड़के और 2 लड़के थे, जिनमें से एक की डेथ होगी। अब 2 लड़के और 2 लड़के। अच्छा, आप भी मौके पर ही मौजूद? हाँ जी हाँ जी। तो लड़की ने मौके पर ही दम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जो फादर साहब थे उन्हें, तो पुलिस आई थी मौके पर? सीसीटीवी वीडियो पता चल पाई या कोई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मामला है ये आहूजा जो हार्डवेयर है उनके बिल्कुल सामने है, जिसमें कार डिवाइडर को भी पार करती हुई उनकी साइड में जा लगी थी उधर साइड। जो एक्सीडेंट हुआ लगभग कितने बजे का समय रहा होगा? ये लगभग 10:15-10:30 के बीच में था, लगभग 15-20 में। तो आपको अभी तक कानूनी प्रक्रिया, आपको कौन सी धाराओं के तहत मामले कुछ ऐसा दर्ज किए गए, या फिर उन लोगों की ट्रेसमेंट हो पाई है कि कौन कौन लड़के थे, कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी तो नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक संतुष्ट हैं जो कार्रवाई करते हैं? हाँ, अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा देखो
गाड़ी भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी में 4 या 5। वो कितने आपकी बाइक पे थे आपके भाई? हाँ जी, हाँ जी, बाइक पे थे जी। हाँ, और वो बहुत ही स्लो उसमें पोजीशन में जला रहे थे, पीछे गुड़िया बैठी हुई थी और पीछे से बहुत स्पीड से आगे उन्होंने मारे, जिसमें मोटरसाइकिल जो है डीवी कॉलेज से जैसे ही निकले वैसे ही एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, डीवी कॉलेज से निकलने के बाद जैसे निरंकारी भवन के सामने से जैसे लेफ्ट साइड में जो टर्न किया उस पर जैसे चलते हुए बिल्कुल आग हो जाके बिल्कुल सामने एमएलएन कॉलेज वाला जो रास्ता है उसके सामने पीछे से तेज रफ्तार जो गाड़ी है उन्होंने उसको पीछे से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी को दिखाने का प्रयास करे थे कि मर्चरी हाउस में जो है परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे थे, देर रात घटना हो जाती है जिसमें 18 वर्षीय युवती जो है अपनी जान गवा बैठती। बताया जा रहा है तेज रफ्तार सड़क हादसे यमुनानगर में कम होने का नाम नहीं ले रहे। रोड रेज की बात की जाए, ड्राइविंग की बात की जाए तो लड़के 180-170 की स्पीड पर चलाते हैं, और जिस तरीके से परिवार में सिर्फ चाय के खोखा का काम करने वाला पिता अब इस दुनिया, उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, और पिता जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कहना है उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन परिवार का कहना है कि उक्त कार्रवाई की जाए ताकि जो है इन लोगों को इंसाफ मिल सके। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के मर्चरी हाउस में, और कब तक वो लोग गिरफ्त में होंगे। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। बीती रात एक हादसा हो जाता है जिसमें एक पिता और बेटी को जो है पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मार देती है जिसमें बेटी की मृत्यु हो जाती है और पिता काफी गंभीर अवस्था में बताया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।